नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपका पेंटर के YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत सारे हमें मैसेजेस आते रहते हैं कि टेरेस वाटरप्रूफिंग के बारे में। तो टेरेस वाटरप्रूफिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण टेरेस के कारण बहुत सारे लोगों को वाटरप्रूफिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं या मतलब लीकेजेस सीपेजेस होते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। तो सबसे पहले टेरेस वाटरप्रूफिंग को जानने से पहले हमें टेरेस के बारे में दो तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपका टेरेस किस चीज़ से बना हुआ है। आपका टेरेस ब्रिक बैट कोवा से बना हुआ है या आपका टेरेस चाइना मोजाइक टाइल से बना हुआ है या आपका टेरेस नॉर्मल टाइल से बना हुआ है या कंक्रीट स्क्रीड से बना हुआ है। तो आप उसको पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि आपके टेरेस में स्लोप कितना अच्छा हुआ है। मतलब स्लोप का मतलब ये है कि पानी का बहाव, जब बारिश का पानी आता है टेरेस में तो वो कितना जल्दी बाहर निकल जाता है, तो वो स्लोप कितना अच्छा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा चीज़, आपके टेरेस में अगर क्रैक्स हैं वो कितने हैं और कैसे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पे कंक्रीट स्क्रीडिंग है तो सबसे पहले हमें ये देखना है, हमें एक नायलन हैमर लेना है और नायलन हैमर से हमें आपके जो भी टेरेस का एरिया है वहाँ पे रैंडमली हैमर टेस्ट करना है। तो वो टेस्ट करने के बाद अगर आपका टेरेस का एरिया 1000 square feet है और उसमें अगर 400 square feet से ऊपर वाले एरिया में ये हॉलोनेस का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कि स्क्रीडिंग अच्छे से नहीं हुआ है, तो हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप पूरा अपना जो टेरेस का स्क्रीड है उसको चिप ऑफ करें और उसके बाद नया स्क्रीडिंग लेयर लगाएं। तो अगर आपका 400 square feet से कम है और या तो अगर आप थोड़ा सा रिपेयर मॉडल में जाना चाहते हैं, आप ये भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे हॉलोनेस की साउंड आ रहा है उसको मार्क करके उसमें आप हैमर से तोड़ के उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रिपेयर कैसे करना है वो आपको मैं अभी बताऊंगा। आपको इसको रिपेयर करने के लिए पहले उसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद उसको उसके सारे डस्ट को आप एक्युमुलेट करके कहीं पर फेंकना है। वो फेंकने के बाद उसको थोड़ा सा पानी से आपको एक बार SSD कंडीशन में लेके आना है। SSD कंडीशन का मतलब ये होता है सैचुरेटेड सरफेस ड्राई। तो ये कंडीशन में लेके आने के बाद उसको फिर उसमें हम लोग एक बॉन्ड कोट लगाएंगे। तो बॉन्ड कोट का मतलब ये होता है कि URP, जो मैंने पहले आपको बताया था, URP को सीमेंट के साथ 1:1 ratio में बना के एक आपको एक बॉन्ड कोट बनाना है। वो मिक्स करके वो बॉन्ड कोट को पहले आपका जो भी चिप किया गया जो भी एरिया है उसमें पहले उसको लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है इसको। फिर उसके ऊपर हम ये करेंगे, एक मोटार बनाएंगे, PMM पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार। तो पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार में रेशियो कैसे बनता है, वो क्या होता है, उसके हिसाब से आपको PMM बनाना है और उसके मदद से आपको वो जो भी चिपिंग किया हुआ जगह है उसको फिल करना है। वो चिपिंग किया हुआ जगह को फिल करने के बाद आपको उसको कम से कम 2 दिन तक एयर क्यूरिंग के लिए छोड़ना है। वो एयर क्योर होने के बाद अब इसके ऊपर हम लोग कोटिंग कर सकते हैं जो आपके टेरेस को वाटरप्रूफ बनाएगा। तो उसमें अभी सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डॉक्टर फिक्सिट का रूफ सील क्लासिक। डॉक्टर फिक्सिट का रूफ सील क्लासिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम सेल्फ प्राइमर के रूप में यूज़ करेंगे और इसी प्रोडक्ट को हम लोग टॉप कोट के रूप में 2 कोट यूज करेंगे। तो ये एक 3 कोट सिस्टम है। 3 कोट सिस्टम है जिसमें सबसे पहले आएगा प्राइमर। तो प्राइमर आपका रूफ सिल क्लासिक को सेल्फ प्राइमिंग के रूप में 2:1 ratio में पानी मिक्स करके लगाना है। मतलब कि दो रेशियो अगर पानी का होगा तो 1 रेशियो रूफ सिल क्लासिक का होगा। तो इस रेशियो में हमें मिक्स करके पहले प्राइमर बना के लगाना है। मान लीजिए अगर आपका 1000 square feet का टेरेस है तो उसमें आप 2:1 ratio मिला के 100 square feet की कवरेज के हिसाब से आपको 10 लीटर रूफ सिल क्लासिक में प्राइमर का काम हो जाएगा। अभी टॉप कोट लगाने के लिए पर कोट में 25 per square feet के हिसाब से कवरेज देता है। आज के लिए यहीं पे समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं या कुछ जानकारी मिल रहा है, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका पेंटर को। धन्यवाद दोस्तों। हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।